Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in today's video we will discuss one of the task 2 in writing module of IELTS. This is academic writing task 2. So without wasting time, let's see what is the demand of the question and how we will make the structure of the essay and what points we will be writing. So first of all, we need to understand the question and then only we can make appropriate points related to this. So pehle question ko hum padhte hain. Some feel that individuals should try to assimilate completely to the country where they live. Kuch logo ko lagta hai ki jo log hain unhe try karna chahiye ki wo assimilate kar le. असिमिलेट मतलब अपना लें पूरी तरीके से उस कंट्री को जहाँ वो रहते हैं. सो देखो, अपनाना अपनी कंट्री में तो नहीं अपना सकते ना हम, वो तो हमारी कंट्री है. सो दिस इज़ ऑब्वियस, इमिग्रेंट्स की बात की जा रही है. इमिग्रेंट्स मतलब वो लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं इन केस ऑफ एनी पर्पस, काम के लिए, स्टडी के लिए. सो कहते हैं कि ये लोग जो लोग अपने देश को छोड़ के किसी भी कंट्री रहते हैं, सपोज एक श्रीलंका का सिटीज़न है, वो दुबई गया हुआ है, कनाडा गया है, चाहे अमेरिका है, तो उसे वहाँ के जो कल्चर है उस कंट्री को अपना लेना चाहिए. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर सेइंग दिस इन देयर फर्स्ट स्टेटमेंट. वाइल पर दूसरे फील करते हैं, अदर्स फील मतलब एक ग्रुप एक की बात कर रहा है, दूसरे ग्रुप वाले लोग क्या कहते हैं, अदर्स फील इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व देयर नेटिव कल्चर. नेटिव का मतलब होता है लोकल, प्रिजर्व मतलब सेव करके रखना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना. सो बाकी लोग का ये मानना है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि प्रोटेक्ट करके रखना अपना लोकल कल्चर. जैसे वो अगर श्रीलंका का सिटीज़न अमेरिका गया है तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हिम कि अगर वो श्रीलंका का जो कल्चर है, ट्रेडिशन, कस्टम है, उसे वहाँ पे अमेरिका में प्रोटेक्ट रखे, मतलब उसको कंटिन्यू रखे. सो ये ज़्यादा कहते हैं इम्पोर्टेंट है. फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज माई फैक्चुअल स्टेटमेंट. फैक्चुअल स्टेटमेंट जो है उससे मुझे टॉपिक पता चलता है, ठीक है. टॉपिक यहाँ पे है बेसिकली कल्चर का, ठीक है. सो कल्चर इज बेसिकली माई टॉपिक. एंड फैक्चुअल स्टेटमेंट में मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, दो फैक्ट्स की बात की है. फैक्ट्स किस पे हैं, वो कल्चर पे. कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिस भी कंट्री में लोग जाएं उसे अपना लें, कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, उसे नहीं अपनाना चाहिए अपने, बल्कि जो कस्टम ट्रेडिशन है उसको वहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए. तो अभी सेकंड क्वेश्चन मेरा है जिसे हम कह देते हैं सब्जेक्टिव स्टेटमेंट. देखो, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगी एक हमारे पास ऑलवेज इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक हमारे पास होगी फैक्चुअल स्टेटमेंट. फैक्चुअल स्टेटमेंट में हमें टॉपिक का पता चले जाएगा, जैसा कि कल्चर का पता लगा. फैक्चुअल स्टेटमेंट में हमें अंडरस्टैंड करना है इसको, ठीक है. फैक्चुअल स्टेटमेंट की हमने रीफ्रेजिंग करनी होती है हमने अपने इंट्रोडक्शन में. सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जिसमें मुझे क्वेश्चन पूछा है. सो देखो, इसमें क्वेश्चन ही तो पूछा है, डिस्कस करो कहते, बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. अपना ओपिनियन भी देना है. ये जो दोनों व्यूज हैं, एक कहते हैं कि कल्चर को, दूसरे कल्चर को अपनाना चाहिए, एक कहते हैं अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए. सो ये दोनों जो व्यूज हैं इसको कहते हैं डिस्कस करो प्रॉपरली. सो डिस्कस कैसे करेंगे, पहले ना हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं राइटिंग का कैसे होगा. सो अगर हम इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें तो देखो, पहले तो हमेशा इंट्रोडक्शन ही आएगी. किसी भी ऐसे में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, जनरल लाइन. जनरल लाइन मेरी आएगी कल्चर के ऊपर. उसके बाद आएगी रीफ्रेजिंग. रीफ्रेज मैंने किसको करना है, अपनी फैक्चुअल स्टेटमेंट को. सो फैक्चुअल स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया, रीफ्रेज. रीफ्रेज मतलब सिनोनिम्स यूज कर दिए, एज इट इज वो लाइन लिख दी, मतलब मीनिंग एज इट इज लिख दिया. वर्ड्स जो है वो कैसे भी आप लिख सकते हो. उसके बाद मैंने लिखी थीसिस लाइन. थीसिस लाइन का क्या मतलब है, मैंने सब्जेक्टिव स्टेटमेंट को जवाब दिया.
उन्होंने कहा था डिस्कस बोथ व्यूज, तो मैंने कहा कह दिया द एसे शैल डिस्कस बोथ द व्यूज, शैल डिस्कस बोथ द व्यूज इन द सबसिक्वेंट पैराग्राफ्स अलोंग विद माई रैशनल ओपिनियन। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरा पूछा था ना भी आपकी सोच क्या, ओपिनियन क्या है, तो मैंने ये लिखना है अलोंग विद माई रैशनल ओपिनियन। रैशनल मतलब ठोस ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। सो इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद मैंने क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ वन। अभी बॉडी पैराग्राफ वन में क्या आएगा, मैंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना उसके लिए उसको डिस्कस करना है। डिस्कस करना क्या क्या मतलब है, मैं कहूँगी इसमें कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में जाके इमिग्रेंट्स को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए फॉरेन रिचुअल्स एंड कल्चर, क्यों करने चाहिए, दो रीज़न लिखूंगी। सो वन पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एंड इन वीपी टू वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड ओपिनियन। सेकेंड ओपिनियन क्या है, कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, तो उसके लिए मैं वन और टू पॉइंट्स लिखूंगी। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या आएगा, कंक्लूजन में देखो उन्होंने पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या है, तो कंक्लूजन में अपना ओपिनियन बताऊंगी। बेसिकली ये ना होता है निचोड़ बीपी वन बीपी टू का। सो कंक्लूजन लिखने में इतना टाइम नहीं अपना लगाना, सिंपली टू कंक्लूड जो भी आप स्टेटमेंट को फेवर करते हो सपोर्ट करते हो, तो बताना है कि मैं इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हूँ, डैश एंड डैश आर द रीजन जो मैंने बीपी वन या बीपी टू में लिखे होंगे। ठीक है, ये तो आपकी मर्जी है, आपने बीपी वन को फेवर करना है या बीपी टू को। अगर फिर बीपी टू को किया तो इसमें जो दो पॉइंट लिखे हैं वो मैंने अपने यहाँ पे लिख देने हैं। ट्राई नॉट टू रिपीट द वर्ड्स, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करो। ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ माई राइटिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वट वी विल बी राइटिंग इन बीपी वन। सो बीपी वन कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को ना फॉरन कल्चर के, फॉरन कल्चर या जिस कंट्री में रह रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री के कल्चर, कस्टम, रिचुअल, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, रीति रिवाज का मतलब है इन वर्ड्स का, सो अपना लेने चाहिए। तो इसका हम फायदा लिखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे कि अच्छा अगर अपना लेते हैं फॉरन कल्चर के कल्चर को तो उनको क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के मैंने बीपी वन में पॉइंट्स ये लिखेंगे, लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कैन बी एम्ब्रेसिंग होस्ट कंट्रीज कस्टम विल क्रिएट ईज इन द लाइफ ऑफ फॉरेन, ईज इन देयर लाइफ ऑन फॉरेन लैंड। सो क्या एम्ब्रेसिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्ट, ठीक है, अपनाना। अगर एक्सेप्ट करेंगे होस्ट कल्चर के कस्टम को, ये उनकी जिंदगी को आसान करेगी। आसान को मैंने क्या कहा, ईज। दिस विल क्रिएट ईज इन देयर लाइफ ऑन फॉरेन लैंड। कैसे ईज क्रिएट करेगी, दैट विल बी माई पॉइंट एक्सप्लेनेशन। सो मैंने उस पॉइंट को, देखो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है अगर आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करते। ये मैंने टू द पॉइंट लिख दिया कि उनकी लाइफ जो है इजी हो जाएगी। कैसे इजी होगी, दैट विल बी माई एक्सप्लेनेशन। आपने ऐसे अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं मालूम, ठीक है, आप जो लिखोगे ना वही उसके पास पहुंचना है। दैट पेपर विल डिसाइड कि आपको अब उस पॉइंट पे क्लैरिटी है या नहीं है, ठीक है। आप अपने विचारों को अच्छे से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर है ना तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, ये राइटिंग का मॉड्यूल है। लिखो जितने अच्छे से आप पॉइंट लिखोगे उतने स्कोर अच्छा मिलेगा। सो एक्सप्लेन में मैं क्या कह सकती हूँ, अच्छा अभी फॉरेन लैंड के अगर कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उनको देखते हैं, वही हमारी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। जैसे काफ़ी इंडियंस, चाइनीज, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कैनेडा जाते हैं। सो कैनेडा में उनकी लाइफ क्या हो जाती है, एक ईज क्रिएट हो जाती है अगर वो कैनेडा के कल्चर कस्टम को अपनाएं, ठीक है, ईज हो जाएगी, ईजी हो जाएगी लाइफ। कैसे, देखो पहली बात तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज विल सर्टेनली इंक्रीज। सर्टेनली का मतलब है पक्का, श्योरली। सो जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब काम करने के जो मौके हैं उन्हें काफ़ी मिलेंगे, पक्का जो है वो बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, अगर वो उनके कल्चर को अपनाएंगे तो ऑब्वियसली उनके फ्रेंड्स बनेंगे, फॉरेन जो पीपल हैं वो फ्रेंड्स बनेंगे, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं दैट विल ऑल्सो कैन बी इम्प्रूव्ड।
ठीक है. सो कम्युनिकेशन स्किल, अगर बातचीत मतलब कम्युनिकेशन स्किल अगर इंग्लिश इम्प्रूव होगी उनकी, तो इससे क्या होगा, वो सोशल लेबल बनेंगे, दे विल बिकम मोर सोशल इन सोसाइटी. अगर सोसाइटी में वो सोशल होंगे, मतलब बोलचाल अच्छी है उनकी, तो इससे क्या होगा, वैल्यूएबल कनेक्शंस कैन बी फॉर्म. वैल्यूएबल कनेक्शन मतलब मे बी उनके कोई फ्रेंड ऐसा बन जाए, कोई एडवोकेट हो या कोई बेटर इंडिविजुअल उनके कनेक्शन में आ जाए, सर्कल में आ जाए, जो उनको प्रॉपर करियर वाइज गाइड करे, या हाउ टू बाय हाउस हेयर देयर इन कैनेडा, सो वो प्रॉपर गाइडेंस वगैरह दे दे. सो ये सारा पॉसिबल होगा तब जब वो उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. इफ़ दे विल बी वेल, इफ दे विल गेट वेल लॉन्ग विद द फॉरेन लैंड कल्चर पीपल एट द सेम टाइम. सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट विल बी यूनाइटेड कंट्री. अगर वो फॉरेन कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, दिस विल ऑल्सो मेक दैट कंट्री अ यूनाइटेड प्लेस टू लिव. यूनाइटेड मतलब एकजुट, ठीक है, एकजुट होके वो कंट्री रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा कि ये जो है लोग ये अलग हैं, ये बाहर से आई हैं, ये अलग हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्री. सो ऐसा नहीं होगा, दैट कंट्री विल एक्ट एज अ यूनाइटेड प्लेस. क्यों? क्योंकि इससे पता क्या होगा, अगर वो कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे तो दिस विल ऑल्सो प्रमोट हारमोनी अमंगस्ट सिटीजन्स. हारमोनी मतलब पीस, शांति जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी लोगों में. देयर विल बी नो वॉयलेशन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. देखो अगर कल्चर जो फॉरेन इमिग्रेंट्स जाते हैं, अगर उनके कल्चर को ऐसे नफरत सी करें, यार ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे कपड़े डालते हैं, तो क्या होगा, फिर वो लोग भी उनको पसंद नहीं करेंगे जो लोकल लोग होंगे, तो उससे उनके बीच जो है लड़ाई झगड़ा हो सकता है. सो इसके कारण जो है, अगर वो फॉरेन कल्चर को अपना लेते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, उनके फ्रेंड सर्कल तो बढ़ेगा, वैल्यूएबल कनेक्शंस तो बढ़ेंगी, बट इससे जो है प्रमोट हारमोनी इन द कंट्री, एंड वॉयलेशन लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर रिलेशंस. सो दिस कैन बी द सेकेंड एडवांटेज. सो बॉडी पैराग्राफ टू में हमने क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ टू किसको सपोर्ट करता है, कि प्रोटेक्ट करना है अपना नेटिव कल्चर. नेटिव मतलब अपना लोकल कल्चर, जैसे पाकिस्तान कोई, श्रीलंका कोई इंडिया से गया है कनाडा या कहीं भी कंट्री में, तो क्या करो, वो लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जो लोकल कल्चर है उनको वहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है, रूटेड रहना चाहिए, बेसिकली इसका मतलब है. सो इसके क्या फायदे होंगे अगर लोग ऐसा करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग नेटिव कल्चर. अगर वो ना नेटिव कल्चर, अगर वो जो फॉरेन कल्चर को अपनाएंगे, अपने कल्चर को भूल जाएंगे, इसके कारण कहते हैं हाई चांसेस हैं. टेंडेंसी मतलब चांसेस, देखो चांसेस की जगह आप टेंडेंसी वर्ड यूज कर लो, इट्स मोर फॉर्मल एंड इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सेंटेंस. सो हाई चांसेस हैं कि नेटिव कल्चर, उनका जो लोकल कल्चर है, खत्म होएगा, ठीक है. नेक्स्ट है, पीपल शुड रिमेन रूटेड विद देयर ओन कंट्रीज कल्चर एंड हेरिटेज. ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेक्ट करके रखें. क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो खुद रूटेड रहेंगे अपने कल्चर से, एथिकल मॉरल वैल्यू से. सो ये अगर वो उनको खुद आती हों, खुद नॉलेज हो एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज उनके जो कल्चर की, तभी तो वो अपनी फॉरेन जनरेशन कह रही हूँ, अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको पास कर सकते हैं, ठीक है. अगर नहीं, उनको खुद को नहीं मालूम, तो ये जो एथिकल मॉरल वैल्यूज है विच मे शेप देयर यंग वंस पर्सनैलिटी, है ना, माइंडसेट एक बेटर तैयार कर सकता है, तो वो जो है पॉसिबल नहीं होगा. ये सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट कैन बी, अगर वो अपना ही कल्चर कंटिन्यू रखें, देखो इससे क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी. जैसे कैनेडा अमेरिका में ज़्यादातर क्या है, मल्टी कल्चर, कोई चाइनीज है, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई एशियन, कोई यूरोपियन, सो वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर, एंड दिस विल क्रिएट व्हाट, मल्टी कल्चरल सोसाइटी. मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आपको नॉलेज पहले तो बड़ी मिलेगी, अच्छा इनके कल्चर में ये है, अच्छा यूरोपियन कल्चर ये है, एशियन कल्चर ये है,
तो उनमें से जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लगी वो आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, अपना सकते हो. सो मीन्स यू विल गेन नॉलेज. ठीक है, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल कि वहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आप मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कल्चर में ही नहीं, आप मल्टी कल्चरल सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हो. सो अडेप्ट कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग. सो ये एक थर्ड पॉइंट हो जाएगा. अच्छा, मल्टी कल्चरल सोसाइटी मतलब क्या? डाइवर्सिटी क्रिएट होगी. सो डाइवर्सिटी मतलब अगर आप अपने ही कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो आपको उस इंटरनेशनल लेवल पे क्या मिलेगा, ग्लोबल लेवल पे क्या मिलेगा? रेकोग्निशन. रेकोग्निशन मीन्स व्हाट? आइडेंटिटी मिलेगी अगर आप अपने ही कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो. मीन्स सोसाइटी में होगा कि ये, अच्छा ये जो लोग हैं ये लाइक दे आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, दे फॉलो दिस पर्टिकुलर कल्चर, इनके कल्चर में ये है. तो एक आप उन सभी लोगों में आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी. सो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट पॉइंट्स. सो इन द एंड आई हैव टू राइट कंक्लूजन. कंक्लूजन में उन्होंने मेरा अपना ओपिनियन पूछा है. तो ओपिनियन का मतलब क्या है? कोई भी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मुझे सही लगी या सेकंड स्टेटमेंट सही लगी तो मैं क्लियरली अपना ओपिनियन रखूंगी कंक्लूजन में. टू कंक्लूड आई स्ट्रांगली फेवर दिस स्टेटमेंट. कौन सी स्टेटमेंट है वो लिखो एंड उसके क्यों करते हो उसको सपोर्ट, वो रीज़न लिखने हैं वो जो मैंने ऑलरेडी मैंशन किए होंगे अपने एसे में. सो दिस इज़ द टास्क टू ऑफ आइल्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. माई यूट्यूब चैनल इज़ द आइल्स इनसाइडर. Take care, bye bye.